मार दो बेशक, इसने हमारे धर्म के खिलाफ बोल कैसे दिया। अपने आप को ना धर्मी बनाए, धार्मिक ना बनाए। प्रॉब्लम्स हैं, ये एक सच्चाई है, और इन प्रॉब्लम्स को मैं इस विषय से देखता हूँ, इस तरीके से देखता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है हम ख़त्म कैसे करें, कम कैसे करें। तो मैं इसको लेता हूँ कि प्रॉब्लम ना करने वाले जो हैं वो कम नहीं है, बट प्रॉब्लम कैसे हो रही है ज़्यादा, क्योंकि एक कैपेबल इंसान के कुछ नहीं करने से प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो प्रॉब्लम करने वाले से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक कैपेबल आदमी उसके लिए खड़ा नहीं होता, वो अपने मसलों में लगा रहता है कि मैं रोटी कमा लूँ, मैं अपना स्टेटस बना लूँ, मैं कुछ बन जाऊँ, बस मैं में ही लगा हुआ है आजकल आदमी। अभी कुछ टाइम पहले ये मॉब लिंचिंग एक वर्ड निकला था, और इसका सारा जो दारोमदार रखा गया था वो ईसाई समाज पर रख दिया गया था। अगर आपको गया तो इस बात पे, तो ये आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने ये वाली बात कही थी कि जो ये मॉब लिंचिंग है, ये बाइबल में जॉन 8 चैप्टर उसका 1-11 वर्स के अंदर एक किस्सा है। एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर के आए और कहने लगे कि पुरानी शरीयत ऐसा ही साफ कहती है, मूसा की शरीयत ये कहती है कि कोई औरत जिना करती पकड़ी जाए तो उसको पथराव करके मार डालो। तो जीसस ने वहां पे क्या करा, जीसस ने कहा कि जिसने गुनाह नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ इस विषय पे। सो आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत साहब है, उन्होंने ये वाली चीज वहां पे कोट करी कि मॉब लिंचिंग वहां से आया, बाइबल से आया है मॉब लिंचिंग, और इसके खिलाफ हमारे कैथोलिक समाज के कई जो बड़े वाले बिशप्स वगैरह हैं उन्होंने इस चीज़ों पे बोला भी, उनके अगेंस्ट खड़े भी हुए। तो मेरा कहना ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना सारे के सारे जो ये मॉब लिंचिंग करते हैं लोग, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। समझिएगा मैं क्या समझाना मांग रहा हूँ, ये सब कौन है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और आज मुद्दा यही हो रहा है कि हम सब धार्मिक बनने पर लगे पड़े हैं, पूजा पाठ कर ले, अगरबत्ती जला ले, चादरें चढ़ा ले, कैंडल जला ले, लगना चाहिए लोगों को कि भाई हम धार्मिक हैं, हम बहुत भगवान के पीछे चलने वाले हैं, और हमारा एक स्टेटस है समाज में, लोग कहें भी बहुत अच्छे इंसान है, और उसको लेकर के हमारा धर्म खराब नहीं होना चाहिए। मार दो बेशक, इसने हमारे धर्म के खिलाफ बोल कैसे दिया। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि जो वो लोग यीशु मसीह के पास, मैं क्योंकि मैं एक धार्मिक गुरु हूं तो मैं अपनी बाइबल से ही बात करना ज्यादा पसंद करूंगा, तो जो लोग यीशु मसीह के पास उस औरत को लेकर के आए, वो पता क्या कोट कर रहे थे, वो क्या कोट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, उस टाइम की जो बाइबल थी, पुराना ऐदनामा उसको कहते हैं। सो वो पुराना ऐदनामा था, वो पुराने ऐदनामे में एक लॉ था जिसे कहते थे मूसा का कानून, वो लेकर के आए और वो कोट कर रहे। इसका मतलब वो उस लॉ को पढ़ने वाले लोग थे, उनको नॉलेज थी उस लॉ की, वो बाइबल पढ़ते थे उस टाइम की, उस टाइम पर जो शरीयत थी। तो वो लेकर के यीशु मसीह के पास उस शरीयत को कोट कर रहे हैं कि अब बता, अगर तू बोलेगा कि मार दो तो तू खुदा का बेटा कैसे हुआ हमारे मुताबिक, और अगर तू अगेंस्ट है तो तू लॉ के अगेंस्ट हो गया। तो वो उसे मारने का मौका ढूंढ रहे थे। तो यीशु मसीह, इसका मतलब वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, हम इस बात को ऐसे लेंगे, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब यीशु मसीह जानता था कि ये यहां पे क्या कर रहे हैं, और लिटरली वो उस औरत को लाए थे मॉब लिंचिंग करने के लिए ही वहां पर। ये वही वाला पैटर्न है जो मोहन भागवत साहब ने कहा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मार दे, पत्थर मार दे। तो एक इससे पहले इसी बीच में एक पैसेज है कि सब लोग जब बोल रहे थे तो यीशु ने कुछ बोला नहीं उस समय में, उस टाइम तक कुछ नहीं बोला, वो जमीन पे बैठ गया और जमीन पे बैठ के जमीन पे कुछ लिखने लगा।
बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि वो लोगों के मनों पे लिख रहा था बातें, लोगों के नाम लिख रहा था, वो कौन कौन लोग थे जो पुराने लोग जानते हैं इन विषयों के ऊपर, है ना। बट मेरा मानना यह है कि यीशु मसीह ना किसी के नाम नहीं लिख रहा था, क्योंकि बाइबल में यीशु के लिए लिखा है कि वो शरीयत को पूरा करने आया था, मिटाने नहीं आया था। इसके विषय में क्या लिखा है, वो शरीयत को पूरा करने आया था, मिटाने नहीं आया था। और उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि कोई कलम नहीं थी उसके हाथ में, कोई पेन नहीं था, तो वो जमीन पे ही लिखने लगा और उसने एक नया कानून बनाया उसी टाइम शरीयत के अंदर कि जिस उसने ये मिटाया नहीं, उसने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। यानी पुरानी शरीयत कहती है कि पत्थर मारो, मगर जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, उसने उस शरीयत में एड ऑन कर दिया उस चीज को। समझिएगा चीज को क्या समझाना मांग रहा हूं। तो वहां पे जब सब लोग चले गए, किसी को मुद्दा ही नहीं मिला मारने का, तब यीशु ने कहा क्या सब चले गए, तो उसने कहा, तो यीशु ने क्या करा, अब अधिकार किसके पास था पत्थर मारने का, यीशु के पास अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा मैं भी तुझे माफ करता हूं, उसने कहा मैं भी तुझे माफ करता हूं। और उसके बाद वो औरत खुदा के कामों में लग गई और बहुत सी लोगों को बचाया उसने, क्योंकि किसी के साथ अच्छा काम हो जाए ना तो वो तारीफ ही करता है, बुराई नहीं करेगा कभी भी। सो जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं, हम तेज सिंह जी की तारीफ ही करेंगे कि भाई अच्छे मुद्दे पे इन्होंने ये चीजों को मैनेज किया, हम लोगों को बुलाया और हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। तो अभी यूपी के अंदर खासकर मैंने देखा एक नया कानून लगाया गया है, पादरियों को जेलों में डाला जा रहा है, पादरियों को जेलों में डाला जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, क्या कह करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ यही नहीं होता, मैं देखता हूं, मैं अक्सर जाता हूं, देखता हूं वो डोल नगाड़े लेकर के वो राधा कृष्ण वाले भी लगे हैं, वो भी अपनी किताबें बांट रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी किताब बांटने से, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो भी बांटते हैं, राइट। अगर हम कहीं मजार पर चले जाए, मस्जिद पर चले जाए कहीं, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो देंगे। वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप हमारा धर्म अपना लो, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा, वो इसलिए जा रहा है कि इसके इसमें कोई भी धर्म में गलत बात लिखी ही नहीं है। अगर आप उठा के देख ले तो, अगर जनरली उठा के देखे सब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मगर लोगों ने उसको मैनिपुलेट करके चीजों को खराब कर दिया है और ये शुरू से होता हुआ आ रहा है। अपने मकसद के लिए चीजों को बिगाड़ दिया गया है। खुदा ने इंसान को जो कायनात को बनाया था खूबसूरत बनाया था कि आपस में मोहब्बत रखो, बढ़ो, फूलो फलो और बढ़ जाओ, ये लिखा हुआ है। कहां बढ़ रहे हैं तो काटने में लगे पड़े हम लोग एक दूसरे को। और जरूरी ये है कि जो हम माइनॉरिटीज हैं हम लोगों को एक साथ होके चलना है। जैसे पादरी अभी जेलों में बंद है, यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, सिखों के प्रति भी बहुत कुछ हो जाता है। अभी मैं चंद्र विहार, एक इलाका है आपने सुना होगा विकासपुरी के पास, विकासपुरी के पास चंद्र विहार इलाका है अभी पीछे, हाँ तो पीछे दिनों मुझे वो मुद्दा याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे मेरे अभी एक डेढ़ साल पुरानी, दो साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ पे वो हो गया था सारा, वो चंद्र विहार इलाके में उन्होंने सरदारों ने बैरिकेड लगा दिए कि अब यहाँ भी मारने आएंगे कुछ दंगे। हाँ वो दंगा जो छिड़ रहा था, वो दंगा जो छिड़ रहा था बीस वाला, हाँ वो वाला, तो वो सरदारों ने सब बंद कर दिया वहां से। और लिटरली मैंने देखा उन्होंने सब रख लिया था अपना हिसाब किताब सारा का सारा। क्यों? क्योंकि हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अगर हम नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम कैपेबल हैं, हमें अधिकार है, हम खड़े हो सकते हैं, क्या हम कमजोर थोड़ी ना है। मगर प्रॉब्लम क्या है, हम अंदर ही अंदर लड़ने में लगे पड़े हैं। हमारे मैं अपने कौम को जानता हूं, हमारे ईसाइयों के अपने मसले बहुत है, कब्रिस्तानों के मसले हैं कि एक कुछ परिवार कई सालों से वहीं बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, ईसाई बच्चे पढ़ लिख करके बाहर दूसरी दूसरी कौमों में दूसरी दूसरी जगह जाके नौकरी कर रहे हैं, जबकि YMCA और बतेरी बाइबल सोसाइटीज है उनमें उनको जॉब क्यों नहीं दी जा रही। बतेरे हमारे अपने मुद्दे हम उन्हीं पे लड़ रहे हैं, तो बाहर निकलने का मौका कब मिलेगा? क्योंकि पहले हमें खुद को ठीक करना है, और जब खुद को ठीक करना है तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। आप जिसे हमारे जो हमारे मसले हैं, तो हम चाहते हैं
हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ आए, हमारे सिख भाई हमारे साथ आए, हमारे पारसी भाई हमारे साथ आए कि अच्छा आपके ईसाई समाज में ये वाली प्रॉब्लम है, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज, ठीक क्यों नहीं हो रही, आपके कोई मसले आप हमें बुलाइए, हम भी आपके साथ आगे खड़े होंगे कि अच्छा आपके मुसलमानों में ये वाली दिक्कत हो रही है, आप जैसे बता रहे थे अभी वक्फ की जमीनें कर दी, हम भी आपके जुलूस में आपके साथ खड़े होंगे। ये एका होना बहुत जरूरी है, जब हमारा एका हो जाएगा ना तो हमारी कौम की चीजें भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सब लोग अच्छे लोग जानकार लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा यही इस चीज़ को विराम करना कि जरूरी है बस हम एक हो जाए और अपने आप को ना धर्मी बनाए, धार्मिक ना बनाए। हम लोग धर्मी और धार्मिक बड़ा फर्क है, धर्मी और धार्मिक बड़ा फर्क है। धार्मिक दिखावा करता है, धर्मी मन से होता है। धर्मी और विधर्मी दो है ना? नहीं, धर्मी और धार्मिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, धर्मी विधर्मी तो की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं यहीं पे इसी चीज के अंदर दो चीजें हैं, एक धर्मी और एक धार्मिक। धार्मिक क्या करता है, वो सेटिस्फाई है, भाई मैंने सुबह चला गया, मैंने अगरबत्ती जला ली, मैंने कैंडल जला ली, मैं खुश हूँ, खुदा मुझसे खुश है। नहीं, खुदा तेरे से खुश नहीं है मेरे भाई, खुदा तेरे कामों से खुश होगा। अब तू यहाँ पे कैंडल जला के चला गया और वहां जाके तूने अपने लेबर का पैसा मार लिया तो क्या खुदा खुश होगा? क्योंकि उसके लेबर के जो बच्चे भूखे बैठे हैं ना वो कोसेंगे, और किसी के आंसू और किसी के आह खुदा सुनता है। आज हम यहां बैठ के अपनी आंखों से आंसू नहीं निकाल रहे हैं, मगर हम रो रहे हैं, अंदर हम दुखी हैं सारे के सारे, ये भी खुदा को दिख रहा है। बेशक हम बात कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल इंपावरमेंट होनी चाहिए, हमारी ये सब चीजें हैं जो हमारी समझ है, जितनी हमारी समझ है अपनी समझ से हम कुछ चीजों को कर रहे हैं, मगर खुदा की समझ हमारी समझ से ऊपर है। तो हम दुआ करेंगे इस बात के लिए कि खुदा हम लोगों को इतनी शक्ति दे, इतना समर्थ बनाए और इतनी समझ दे कि हमें किस वे में चलना है, किस वे में काम करना है, और एक साथ हम यूनिटी में रह सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।